मोहनलाल जी, सन 1947 में सिंध प्रांत में ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके बाद आप लोगों को इधर आना पड़ा? वहां पर हिंदू मुसलमान राइट हो गया था ना, इसके कारण ये हुआ कि भाई वहां पर हिंदू लोग यहां आएंगे और यहां के मुसलमान वहां जाएंगे, ऐसी वहां परिस्थितियां हो गई थी कि वहां मारकाट मच गई थी, जिसके डर से वहां पर से भागना पड़ा था लोगों को, परिवार को पूरी जमीन जायदाद सब छोड़ के हम लोग यहाँ आए। पाल जी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ कहाँ थे इतने दिन तक, आप लोग क्यों नहीं मिले इतने दिन से, 5 साल हमको हो गया यहाँ पर रहते हुए, आप लोग नहीं आए। तो उन्होंने फिर बुलवा के हमारे प्रतिनिधि मंडल को बात की, इसके बाद उन्होंने कहा कि योगी जी को मैं लेटर लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री की तरफ से आपको एक आएगा लेटर। देखिए, मालिकाना हक तो हमारा पावर नहीं है कि इनको मालिकाना हक दिया जा सके, और न मालिकाना हक जिलाधिकारी दे सकता है, ये शासन स्तर से मामला है और शासन में ये लंबित है मामला, और नगर पालिका ने इस पर NOC भी दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर यह है कि कोई चीज़ अगर किसी को आवंटित की जाएगी तो सर्किल रेट पर ही होता है, शासन जो निर्णय लेगा शासन के आदेश का पालन किया जाएगा।